इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मोबीक्विक एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी जो पिन होता है उसको कैसे लगा सकते हैं और ये सिक्योरिटी पिन होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम उस सिक्योरिटी पिन को लगा कैसे सकते हैं और ये होता क्या है और क्या बेनिफिट है इसका, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन के अंदर जाना है और तीन लाइन पर टिक कर देना है। जैसे ही तीन लाइन पर आप टिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी नीचे जाते हैं तो यहाँ पर सेट सिक्योरिटी पिन का जो ऑप्शन है सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, अबाउट अस से ऊपर, ठीक है। तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ ये सिक्योरिटी रहता क्या है। देखिए, यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी आपके वॉलेट से इनवैलिड एक्टिविटी हो जाती है या आपको किसी और आपका कोई और जो है अकाउंट को खोल लेता है या कभी आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है आपसे जो कि जो आप यहाँ पर एक्टिवेट करते टाइम डालते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर मदर नेम और यहाँ पर आपकी बर्थ डेट या फिर व्हाट इज़ योर इस फर्स्ट स्कूल नेम, तो तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो है कोई भी नाम डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डेट डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट हो वो डाल दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपना जो है कुछ भी डाल दीजिए, मतलब कि यहाँ पर इस टाइप के, और कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ पर अपनी ईमेल डालकर इसे वेरीफाई कर दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर आपकी जो पिन है वो लग जाए, और लगने के बाद यहाँ पर ये आपसे कभी भी पूछ सकती है और आपको वो जो है सिक्योरिटी के साथ आपको अलर्ट में दिखाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है वैसे इसका, सिक्योरिटी पिन का। आप यहाँ पर इजीली अभी इससे आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, बट यहाँ पर मैं इतना ही प्रोसेस करूँगा। और अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।